स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में कि रोमन रेंस को कैसे मिल सकती हैं चीयर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस से, और बात करेंगे कि कब करेंगे ब्रॉक लेसनर अपना नेक्स्ट टाइटल डिफेंस, मतलब ब्रॉक लेसनर का मैच कब होगा और कहां होगा। तो इसके रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कि कब होगा ब्रॉक लेसनर का अगला टाइटल डिफेंस। तो ब्रायन एल्वरेज ने रेसलिंग रेडियो पर ये अपडेट दी है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमें ब्रॉक लेसनर का मैच सीधा समरस्लैम में ही देखने को मिलेगा। ये भी हम मान सकते हैं कि जिस सुपरस्टार के साथ ब्रॉक लेसनर का मैच होगा समरस्लैम में, वो सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर को हरा देगा, मतलब वो बन जाएगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और ब्रायन एल्वरेज ने ये भी बताया है कि ब्रॉक लेसनर को शेड्यूल नहीं किया जा रहा है मनी द बैंक के लिए। वहाँ पर कई हाई क्लासेस मैच बुक हो चुके हैं, जैसे 8 मैन लैडर मैच, 8 वुमेन्स लैडर मैच, मतलब कई हाई क्लासेस मैच बुक हो चुके हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्रॉक लेसनर की जरूरत है इंटरव्यू में आने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को तभी बुलाती है जब टिकट सेलिंग करवानी हो, मतलब जब टिकट्स नहीं बिक रही हो, और ब्रॉक लेसनर को बुक करके वो टिकट्स बिकवाती है। और मनी द बैंक के बाद पेपर व्यू आता है एक्सट्रीम रूल्स, और एल्वरेज का ये कहना था कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सट्रीम रूल्स के लिए हाई क्लासेस मैच नहीं सेट कर सकी, मतलब अगर हमें एक्सट्रीम रूल्स में बड़े मैचेस बुक होते दिखाई नहीं दिए, जाहिर सी बात है कि हमें बुकिंग भी नहीं देखने को मिलेगी, तो तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को बुक कर सकती है एक्सट्रीम रूल्स के लिए, जो टिकट सेलिंग भी हो, ब्रॉक लेसनर का मैच भी हो जाए एट एक्सट्रीम रूल्स। इन शॉर्ट, ब्रायन एल्वरेज के कहने का मतलब ये था कि अगर एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में अच्छे मैचेस नहीं बुक किए गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को बुला सकती है इस पेपर व्यू में कम्पीट करने के लिए। तो ये तो हो गई बात ब्रॉक लेसनर की। तो आप बात करते हैं रोमन रेंस की कि कैसे मिल सकती है रोमन रेंस को चीयर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस से। जिस तरह से हम रोमन रेंस को अभी देख रहे हैं, उन्हें यूएसए के फैंस से एक ही रिस्पांस मिलता है, और वो है बू का। मतलब यूएसए के फैन रोमन रेंस को जरा भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां के फैंस समझते हैं कि रोमन रेंस ओवररेटेड सुपरस्टार है, मतलब विंस मैकमैन के द्वारा रोमन रेंस को बड़ा पुश मिल चुका है, ये मानना है यूएसए के फैंस का, इसलिए वो पसंद नहीं करते रोमन रेंस को। तो पीडब्ल्यू इंसाइडर ने दो सिचुएशन बताई हैं, मतलब कि अगर ऐसा होता है तो रोमन रेंस को चीयर मिलेगी। तो इन दो सिचुएशन में से पहली सिचुएशन है कि रोमन रेंस इन शील्ड। जी हाँ, पीडब्ल्यू इंसाइडर का मानना है कि रोमन रेंस को चीयर मिलेगी अगर वो शील्ड में होंगे। जैसा कि हमें पता है कि रोमन रेंस को बू मिलती है, लेकिन शील्ड में दो मेंबर और हैं, और वो हैं डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस। फैंस इन दोनों सुपरस्टार्स को बू नहीं करते, फैंस को शील्ड को चीयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो रोमन रेंस के लिए ही शील्ड को बू नहीं कर सकते। मतलब अगर रोमन रेंस शील्ड में आ गए तो उन्हें प्रोबेबली चीयर मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस से। उसी सिचुएशन है कि रोमन रेंस हील टर्न कर लें। जी हाँ, पीडब्ल्यू इंसाइडर का मानना है कि रोमन रेंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेस। फेस कैरेक्टर का काम होता है कि फैंस की तरफ से चीयर निकलवाना, और ये काम डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस से नहीं करवा सकी। तो अगर रोमन रेंस को फेस कैरेक्टर पर ही बू मिलती है, क्या फर्क पड़ता है कि रोमन रेंस कैरेक्टर में हो या फेस कैरेक्टर में हो, उन्हें बू तो मिलनी ही है। एक बार हील कैरेक्टर में आकर वो धीरे धीरे फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस उन्हें चीयर कर सकती है। मतलब रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन्हीं दो कारणों से मिल सकती है। मतलब अगर रोमन रेंस को शील्ड की मदद से यूनिवर्सल चैंपियनशिप मिल गई, तो तभी ही डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस चीयर करेगी। और अगर रोमन रेंस हील कैरेक्टर में आकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हैं, तो उन्हें बू तो मिलेगी, पर उस बू का एक कारण होगा, और वो कारण होगा हील टर्न। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप बनता किसकी मदद से देखना चाहते हैं। मतलब रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते शील्ड की मदद से, और या रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते एज ए हील कैरेक्टर। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।